गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम ए कंप्यूटर टीचर फ्रॉम ड्रीम इंडिया स्कूल कोल्हापुर। आई एम गोइंग टू लेसन नंबर 2, करेक्ट योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की करेक्शन के बारे में बताना है। यू विल लर्न, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिकैप। करेक्ट योर डॉक्यूमेंट, मेक योर डॉक्यूमेंट परफेक्ट। आफ्टर क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट इन MS Word, इट कैन be corrected umpteen number of times to make it perfect। हम बहुत बार MS Word में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं और करेक्ट करते हैं, जिससे हमको डॉक्यूमेंट्स के करेक्शन के बारे में पता चलता है। रिकैप, हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा है उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यू कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट बाई क्लिकिंग ऑफिस बटन एंड ओपन। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना जानना चाहिए कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑफिस बटन क्लिक करते हैं, देन हम ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। इसमें हमारे पास वर्ड फाइल ओपन हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, यू कैन सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑफिस बटन। सेव अस ऑप्शन, सेव अस विंडो अपीयर्स, सेलेक्ट द लोकेशन, एंटर डिफरेंट फाइल नेम इफ नेसेसरी एंड क्लिक ऑन सेव बटन। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं, देन अपन सेव अस नाम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। सेव अस को जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पॉपअप मेनू आता है जो सेव अस के डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसमें हम लोग कुछ अपना फाइल नेम लिखते हैं। फाइल नेम लिखने के बाद हम उसको सेव कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। नॉर्मली वी चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर्स एंड अलाइनमेंट्स टू मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव। हम फॉर्मेटिंग मीन्स होता है टेक्स्ट को चेंज करते हैं। जिस प्रकार टेक्स्ट को चेंज करने के लिए टेक्स्ट का साइज को डिफरेंट टाइप साइज होते हैं, डिफरेंट टाइप कलर्स होते हैं, डिफरेंट अलाइनमेंट्स सेट करते हैं, इसे हम अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं और फॉर्मेटिंग सेट करते हैं जिससे। पॉइंट नंबर 4, वी आल्सो चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट बाय यूजिंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन फीचर्स। ऑल द फॉर्मेटिंग बटन्स आर अवेलेबल इन द होम रिबन। हमारे सामने एक रिबन पे बहुत सारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के फॉर्म वो टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल टुगेदर देयर आर 4 अलाइनमेंट्स इन वर्ड। दे आर लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। इस प्रकार हमारे सामने 4 अलाइनमेंट सेट होते हैं, जिससे अलाइनमेंट मीन्स होता है कि उसको कैसे रखना है। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, राइट से करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मीन्स होता है सबको इक्वल करना है, मतलब आगे लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ एनी फॉन्ट एंड साइज। द अपीयरेंस ऑप्शन सच एस बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन आर यूज टू अट्रैक्ट अचीव दैट। उसके बाद हम फॉन्ट के साइज को चेंज करते हैं और फॉन्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, द अंडू एंड रिडू आर वेरी यूजफुल फीचर्स इन MS Word। अंडू और रिडू नाम के दो कमांड होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं इन MS Word में। यू कैन कैंसिल द लास्ट एक्शन एंड कैन आस्क रिट्रैक्ट इफ नीडेड। जिस प्रकार हमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो लास्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है अंडो रिडो को। यू कैन आल्सो इंसर्ट पिक्चर्स इन योर डॉक्यूमेंट। पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड आइदर फ्रॉम फाइल्स अवेलेबल इन योर कंप्यूटर और फ्रॉम क्लिप आर्ट। हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में। इस प्रकार कुछ पिक्चर्स हमारे क्लिप आर्ट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिप आर्ट विल हैव कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इमेजेस फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज अवेलेबल इन इंसर्ट रिबन। हम लोग इस रिबन में बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए इमेजेस होते हैं जो क्लिप आर्ट के द्वारा हम लोग इंसर्ट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंसर्टिंग द पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन अलाइन इट वेयर एवर यू वांट। आफ्टर हम लोग पिक्चर इंसर्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट को सेट करते हैं, अलाइन सेट करते हैं, और उसके बारे में जानना चाहिए। यू कैन एनलार्ज एंड सी एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द जूम लेवल फंक्शन विच इज लोकेटेड एट द बटन राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। जूम नाम के एक ऑप्शंस होते हैं जो हमारे सबसे लेफ्ट साइड में एनलार्ज के रूप में बड़ा छोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस हेल्प यू सी द एक्चुअल व्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन पेपर बिफोर प्रिंटिंग। हम प्रिंट प्रीव्यू नाम के टूल्स का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।